खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला शहर कोतवाली के बलिया मोड़ का है, जहां पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों का पुलिस से मुठभेड़ हुआ है। बदमाशों के पास से लूट के पैसे और कागजात भी बरामद हुआ है। दोनों बदमाश बिहार के कटिहार जिला के रहने वाले हैं, जो आसपास के जनपदों में टप्पेबाजी जैसी घटना को अंजाम देते थे। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी मऊ का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। रात्रि में जनपद मऊ में संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग में कोतवाली नगर प्रभारी शैलेश सिंह ढिकुलिया घाट पर चेकिंग कर रहे थे, और वहीं पर SOG प्रभारी अमित मिश्रा और स्वाद प्रभारी प्रमोद सिंह भी उनके साथ में थे। उस लगभग 2:30 और 3 बजे के बीच में एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो बलिया मोड़ की तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने चूँकि आगे भी चेकिंग हो रही थी, तो उसके बाद वो भीटी पुल के नीचे की तरफ भागे, जहाँ उन्होंने पुलिस से आमना सामना हुआ और उसमें उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस को फायर किया। इसी दौरान पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गोली लगी है और उनसे एक मोटरसाइकिल ग्लैमर और दो तमंचे, जिसमें एक 315 बोर है और एक 312 बोर है, एक 12 बोर है, और एक एक खोखा कारतूस और एक एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में उनके पास एक पिट्ठू बैग था, जिसमें एक बैग और लेदर बैग था, जिससे लेदर बैग से 25,000 रुपये और कुछ कागजात हैं, जिसमें एक चेकबुक है और पासबुक है, और जो बैग पिट्ठू बैग था उसमें कपड़ों के बीच में 55,000 रुपये और बरामद। इस प्रकार कुल उनसे 80,000 रुपये और कुछ कागजात बरामद हुए हैं। और उनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में जनपद में हुई 4 टप्पेबाजी घटनाओं में उन्होंने स्वीकार किया है। इसके साथ साथ भी जो जनपद के आसपास के अन्य जनपदों में उनकी घटना के द्वारा बताया जा रहा है, और उनको दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आ रहे थे? इनमें जो दोनों अपराधी, उनमें से एक का नाम दीपक यादव है और एक का नाम तरुण यादव है। ये दोनों थाना कोड़ा जनपद कटिहार बिहार के रहने वाले। अंदर स्टेट बदमाशी के? अरे अंदर स्टेट ये, ये 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 जो थाना है, इसमें कुछ लोग टप्पेबाजी घटनाओं में सम्मिलित रहे जी, तो सिद्ध करने आ रहे थे या फिर क्या? ये इनके द्वारा पूर्व में घटना की गई, जो उन्होंने स्वीकार किया। प्रारंभिक पूछताछ में 4 घटना है, चूँकि एक घटना अभी दिनांक 10/10/2023 को हुई है, जो शैलेंद्र राय के साथ हुई थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 262/2023 पंजीकृत किया गया है। इसने यहाँ की प्रारंभिक पूछताछ में 4 घटनाओं को किए जाने के संबंध में बताया। सर, किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? ये अभी 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 और पूछताछ इनसे की जाएगी, जो बात सामने आई वो प्रारंभिक पूछताछ। ठीक।